तुम अकारण नहीं हंसोगे, एक रानी हो, एक रानी हो करके अपने मर्यादा का ज्ञान है तुमको, तुम अकारण नहीं हंसोगी, बताओ। द्रौपदी कहती है, पितामह मैं सोच रही थी कि दूसरों को उपदेश करना कितना सरल होता है। इको बढ़ाइए, इको। दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, मतलब बोले पितामह दूसरों को उपदेश देना इतना सरल होता है, इतना सरल होता है कि अब देखिए ना, अभी अभी आप मेरे पतियों को आदेश कर रहे हो कि अपने सामने कभी कोई अधर्म होते हुए मत देखना, कभी कोई पाप होते हुए मत देखना। महाराज लेकिन आपके सामने जब अधर्म हो रहा था तब आपका यह ज्ञान कहां गया था? जिस सभा में आप बैठे थे कुरुकुल में उत्तम कुरुवंश के सबसे उत्तम पुरुष आप बैठे थे पितामह, उसी सभा में आप ही के कुल की पुत्र वधू के केश पकड़कर घसीट कर लाए जाने के बाद भी आप कुछ नहीं बोल सके पितामह, और वो भी पुत्रवधु मात्र एक वस्त्र में थी, रजस्वला की स्थिति में थी। पहले की माताएं थी ना, जब वो अपने धार्मिक काल में होती थी तो महाराज वो किसी भी पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, यहां तक कि अपने पति को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, पर्दे में रहती थी। अब समय के अनुसार परंपराएं चीजें बदलती हैं। द्रौपदी कह रही है कि जो रजो धर्म में पड़ी हुई स्त्री हो, एक वस्त्र में लिपटी हो, जिसे आज आप महारानी कह रहे हो वही महारानी हो, और केश के बल घसीटते हुए लेकर आई जाए और आप जैसा कुरकुल उत्तम पुरुष कुछ भी ना बोले तो महाराज उसे क्या कहेंगे? क्या आपके पुरुषार्थ में कोई कमी आ गई थी, या आपका जो बल था या आपका जो ज्ञान था वो शून्य हो चुका था? पितामह कहते हैं पुत्री कुछ नहीं शून्य हुआ था पितामह, मैंने आपकी ओर हाथ उठा करके कहा था पितामह आप इस अनर्थ को रोक लो, आप इस अन्याय को रोक लो, लेकिन आपने अपने सर को ऐसे नीचे झुका लिया, आप एक बार भी नहीं बोले कि दुशासन रुक जा, दुर्योधन रुक जा। आज मुझे विश्वास है पितामह, अगर उस सभा में उस दिन आपने हिम्मत की होती, अगर उस सभा में आपने एक आवाज लगाई होती तो महाराज धृतराष्ट्र में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं थी कि वह भी आपकी आज्ञा की अवहेलना कर देते। और ये जो महाभारत हुआ है, ये महाभारत कदापि नहीं होता। इस महाभारत का जो परिणाम हुआ है, हजारों लाखों माताओं के आंचल सोने हुए हैं, हजारों लाखों सुहागिनों की मांग सुनी हुई है, यह दुष्परिणाम कभी नहीं होता, ये दृश्य कभी सामने नहीं आता। लेकिन आपकी एक मूक और बधिरता ने, आपका एक बार का मौन रहना, आपका मेरी चीख को नहीं सुनना पितामह, वही इस महाभारत का मूल कारण बन गया। पितामह रुदन कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं द्रौपदी के सम्मुख। और द्रौपदी कहती है कि जिस दिन मैं इस कुल की बहू बनकर आई थी ना पितामह, उस दिन मुझे अभिमान था इस बात का कि जिस वंश की बहू बनकर के जा रही हूं उस वंश का डंका पूरी दुनिया में बजता है, उसी वंश का राजा, इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, उस वंश की पुत्र वधु बनकर जा रही हूं, अगर कोई आंख उठाकर देख लेगा तो उसकी आंखें निकाल लूंगी, अगर कोई मुझे जबान निकाल देगा मेरे प्रति तो महाराज उसकी जुबान खिंचवा लूंगी। ये गर्व लेकर के आई थी।